सबसे पहले हम शार्क लेंस यूज़ करने जा रहे हैं फेस को क्लीन करने के लिए। शार्क लेंस हमारा ड्राई स्किन का क्लेंजर है एलोवेरा पेस्ट। डीप क्लेंजिंग करेगा ये अच्छे से, साथ साथ में एज वेल एज इसका ये जो हमारा है क्लेंजर, ये हमारा यूज़ होता है मेकअप रिमूविंग में भी यूज़ होता है, मेकअप को रिमूव करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम। विद द मॉइस्ट कॉटन हम वाइप आउट करेंगे क्लेंजर। आफ्टर द क्लेंजिंग के बाद हम शा स्क्रब यूज़ करेंगे। गोल्ड फेशियल का हमारा स्क्रब है ये 24 कैरेट है। इसमें बिल्कुल जो जेन्युइन आपके 24 कैरेट गोल्ड के पार्टिकल्स हैं, ये हॉलमार्क सर्टिफाइड है। इसमें साथ साथ में आपको पूरा का पूरा सर्टिफिकेशन मिलेगा प्रोडक्ट जब भी आप लेंगे सर्टिफिकेशन के साथ। इसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपके स्किन को के सेल्स को डेड सेल्स को रिमूव करते हैं, साथ साथ में सेल्स को फेस के स्किन को रीजेनरेट भी करते हैं सेल्स को। आपकी स्किन इससे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ हो जाती है, बहुत ही कम लगता है ये प्रोडक्ट। इवन स्प्रेड करेंगे इसके ग्रीन्स बहुत ही माइल्ड हैं। डीप क्लेंजिंग के साथ साथ स्क्रबिंग जब होती है तो स्क्रबिंग का बेसिकली काम होता है टू रिमूव ऑल द डेड सेल्स। इस तरह से हम अच्छे से डेड सेल्स को रिमूव करेंगे। स्क्रबिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है कि स्क्रबिंग के बाद जब आप फेशियल करते हैं स्किन को नरिशमेंट बहुत अच्छे से मिलती है, स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाती है एंड ग्लोइंग स्किन हो जाती है। गोल्ड फेशियल है ये हमारा। गोल्ड मीन्स क्या, गोल्ड का बेसिकली क्या काम होता है, शाइन देना स्किन को एंड एजलेस बनाना स्किन को, आपके स्किन की फाइन लाइंस को भी कम करेगा ये, ग्लोइंग तो देगा ही देगा साथ साथ में फाइन लाइंस भी कम होंगी। टू टू थ्री मिनट्स के बाद हम स्क्रबिंग को भी क्लीन कर लेंगे। ये हमारी गोल्ड की नरिशिंग क्रीम है, ये भी 24 कैरेट गोल्ड से बनी है, स्किन को नरिशमेंट देती है ये। सी द ब्यूटी ऑफ द पैकेजिंग ऑल्सो, कितनी सुंदर इसकी पैकेजिंग है। ये आपकी स्किन को जब इससे मसाज होगी स्किन सॉफ्ट एंड यूथफुल बनेगी, बहुत ही ज़्यादा स्किन जो है ग्लोइंग एंड यूथफुल, फाइन लाइंस को भी कम करेगी, एजिंग को भी कम करेगी, स्किन को नरिशमेंट देती है। इस तरह से हम 5 से 7 मिनट तक मसाज करेंगे। ये अब हम अपलिफ्टिंग कर रहे हैं,
इससे क्या होगा, आपके सारे चीक्स के चीक बोन एरिया है अपलिफ्ट होगा, साथ साथ में इसका एक्स्ट्रा फैट भी कम होता है। ये देखिए विद वन फिंगर हम जब अपलिफ्टिंग कर रहे हैं स्किन को, आपकी फेस की जो स्किन है वो भी अपलिफ्ट होती है। ये जो हम स्ट्रोक कर रहे हैं पिंचिंग इसको बोलते हैं, इससे फैट डिसॉल्व होता है। मसाज बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जितनी अच्छी मसाज होगा साथ साथ में स्किन भी रिलैक्स जब हो जाती है आप, इससे आप नॉर्मली देखिए जब आइज़ के आसपास जब हम करते हैं ना, जो एजिंग स्टार्ट होती है हमेशा आपकी आइज़ के आसपास ही होती है, क्योंकि ये आसपास की जो स्किन होती है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। आप देखिए नॉर्मली छोटी छोटी सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन्स आनी शुरू हो जाती हैं, तो इस एरिया को भी हमने अपलिफ्ट करना है। वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल इस तरह से स्ट्रोक्स करेंगे, इससे भी आपकी लाइंस में काफ़ी कम होंगी, मिनिमाइज होंगी। फोरहेड एरिया में कभी भी पिंचिंग नहीं की जाती है। मसाज के बाद हम क्रीम को वाइप आउट करेंगे। मसाज के बाद हम शारोज के साथ कोल्ड कंप्रेशन देंगे। शारोज हमारा स्किन टॉनिक है, ये स्किन टॉनिक के साथ साथ में अब इसको ऑयली स्किन का क्लेंजर भी है, ऑयली स्किन के में भी यूज़ किया जा सकता है। एंड आप टोनिंग करेंगे इसमें, ये बहुत ही अच्छा टोनर है हमारा शारोज। स्किन टॉनिक जो है हमारा बेसिकली डिज़ाइन विद डेट्स एंड जो रोज पेटल्स हैं और भी बहुत सारे हर्ब्स हैं उनके साथ यूज़ किया जाता है, ये उनसे बना है। ये कोल्ड कंप्रेशन इस तरह से हम देते हैं। कोल्ड कंप्रेशन देने का भी रीज़न है, मसाज के बाद हमने कोल्ड कंप्रेशन दिया है, इस तरह से हम कोल्ड कंप्रेशन देंगे क्योंकि हमने जब मसाज की है वो हमारी 24 कैरेट गोल्ड से बनी हुई क्रीम से की है। तो 24 कैरेट गोल्ड क्रीम में आप देखिए गोल्ड इट्सेल्फ बहुत गर्म होता है, ऊपर से उसके बाद जब मसाज कर लेते हैं तो स्किन में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाती है। उस हीट को कम करने के लिए, स्किन को टोन अप करने के लिए इस तरह से हम शारोज की कोल्ड कंप्रेशन देते हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं तो मसाज के बाद और उसमें हर्ब्स हैं तो स्किन में काफ़ी हीट जनरेट हो जाती है। इस तरह से हम टोनिंग देंगे, जब ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा देन हम टैपिंग करते हुए रोल ऑन कर देंगे। टोन अप से क्या होगा, रेगुलर भी टोन अप कर सकते हैं फेस को, और टोनिंग करनी भी चाहिए। CTM के जो हम रूल्स फॉलो करते हैं, क्लेंजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है हर टाइप के स्किन के लिए, चाहे आपकी स्किन ड्राई हो, ऑयली हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो, हर तरह की स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है CTM, क्लेंजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। जितना ज़्यादा आप स्किन को टोनिंग देंगे उतने ज़्यादा आपके ओपन पोर्स की भी प्रॉब्लम दूर होगी। ओपन पोर्स हो जाते हैं तो उससे भी स्किन पे रैशेस हो जाते हैं। कोल्ड कंप्रेशन टोनिंग के बाद हम ये जेल लगाएंगे, ये हमारा नॉन सेटिंग जेल पैक है, 24 कैरेट गोल्ड से बना हुआ है। देखिए इसमें रियल गोल्ड की भस्म है, इस तरह से हमने जेल फॉर्म में है ये पूरा का पूरा 24 कैरेट्स के, इसमें रियल 24 कैरेट्स के पार्टिकल्स हैं। हम ये जेल लगाएंगे इस तरह से। ये जेल जो है आपके स्किन को आप वैसे रेगुलर भी हफ्ते में 2 से 3 बार आप लगा सकते हैं, आपके स्किन को सॉफ्ट करेगा, स्मूथ बनाएगा एंड यूथफुल बनाएगा। इस तरह से हमने एप्लीकेशन करनी है। सबसे बेस्ट पार्ट है प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट्स की कि इसकी एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथली, थोड़ा सा प्रोडक्ट लगता है और अच्छे से इवन स्प्रेड होता है ऑल ओवर फेस। आपने देखा कि मैंने कितना थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया था,
एंड ऑल ओवर फेस प्रॉपर अच्छे से, ऐसा नहीं है कि बहुत कम प्रोडक्ट लग रहा है, बहुत अच्छे से इवनली स्प्रेड हो रहा है। इस तरह से जब हम पूरा जेल फेस पे लगा देते हैं तो आप उसके बाद कुकुम्बर जूस के साथ, आप इसमें हल्का सा जूस लगाने के साथ साथ में आप इसको गैल्वेनिक देना चाहें गैल्वेनिक दे दीजिए। अगर आप घर पे खुद सेल्फ कर रहे हैं तो जूस के साथ हल्की सी मसाज करेंगे जेल एप्लीकेशन के बाद। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कुकुम्बर जूस लिया है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा हम डैप डैप करते हुए ऑल ओवर फेस पे जूस को लगा देंगे। जूस की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपके स्किन को नरिशमेंट देती हैं, और हल्का जेंटल मसाज देंगे। अगर आपके पास गैल्वेनिक नहीं है तो आप मत लगाइए, हल्का सा जेंटल मसाज देने से भी काफ़ी आपके स्किन पे ग्लो आएगा। वेरी जेंटल मसाज, क्योंकि हम ऑलरेडी मसाज कर चुके हैं, फेशियल कर चुके हैं। एक से दो मिनट तक इस तरह से हम करेंगे सर्कुलेशन मूवमेंट में, हल्की हल्की जेंटल मसाज देंगे। आफ्टर द मसाज हम इसको वाइप आउट कर देंगे। अगर आप गैल्वेनिक दे रहे हैं तो कम से कम 5 मिनट तक देंगे जूस के साथ। जेल का ही इट्सेल्फ बहुत अच्छा रिजल्ट है। जेल को गोल्ड का इसके बाद हम मास्क लगाएंगे। इसके बाद हम लगाएंगे गोल्ड का 24 कैरेट का हमारा मास्क है, ये एंटी एजिंग मास्क है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, जस्ट क्लीन योर फेस, फेस को क्लीन करने के बाद पार्टी में अगर आपने जाना है आप मास्क लगा लेंगे सिर्फ, और उसके बाद उसको 10 मिनट्स बाद वाइप आउट कर देंगे तो भी आपका फेस इंस्टेंट ग्लो आएगा। आपको स्क्रबिंग, अगर नहीं टाइम है, स्क्रबिंग है, मसाज है, नहीं कर सकते, तो ये भी इसके साथ भी आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, इंस्टेंट ग्लो देता है, फाइन लाइन्स को काम करेगा, एंटी एजिंग। साथ साथ मैं बार बार बोल रही हूँ, एंटी एजिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एजिंग लेडीज ही लगाएंगी, ये एजिंग लोग ही लगाएंगे। इंस्टेंट ग्लो के लिए, यंग जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। सेंसिटिव स्किन का पैक है ये हमारा, ये देखिए इसमें बिल्कुल रियल गोल्ड के पार्टिकल्स हैं। 24 कैरेट का ये सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, ये नहीं कि सिर्फ बोलने के लिए ये प्रोडक्ट्स हैं। आप जो भी प्रोडक्ट लेंगे उसके ऊपर पूरा लिखा है 24 कैरेट सर्टिफाइड हॉलमार्क प्रोडक्ट है। इस तरह से हम ये जेल फॉर्म में है पैक लगाएंगे, ये रहा इस तरह से, ये भी नॉन सेटिंग जेल पैक है, इस तरह से लगाएंगे। आप देखिए अभी पूरा फेशियल कंप्लीट भी नहीं हुआ, स्किन कितनी ग्लो करी, इससे पहले कितनी डल स्किन थी, बहुत ही ज़्यादा लाइफलेस स्किन नज़र आ रही थी उससे पहले। अब देखिए कितना अच्छी क्लियर कॉम्प्लेक्शन को भी इसने क्लियर किया है। आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा यूथफुल, सॉफ्ट, स्मूथ, इट्स लाइक ए बेबी स्किन हो जाएगी। प्रोडक्ट की आप देखिए, आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि इसकी जो एप्लीकेशन है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। थोड़ा सा प्रोडक्ट पूरा ऑल ओवर फेस कितना अच्छे से स्प्रेडिंग बहुत अच्छी है, स्प्रेड होता है, आपको भर भर के लगाने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिल रहा है इसमें, इस प्रोडक्ट में। 10 मिनट के बाद हम इस पैक को इस तरह से वाइप आउट कर देंगे। अब ये हमारा ड्राई स्किन का मॉइस्चराइजर है, मॉइस्ट शा मॉइस्ट मिक्स विद शा बेस। शा बेस जो है हमारा सैंडलवुड बेस्ड है, ये हमारी स्किन को प्रोटेक्शन देता है। मिक्स करके ही यूज़ करेंगे, कभी भी खाली मॉइस्चराइजर जब भी आप लगाते हैं तो स्किन को मॉइस्चराइज तो होगी,
पर स्किन को प्रोटेक्शन नहीं मिलता है क्योंकि जो बेस है वो स्किन को प्रोटेक्शन देता है। खाली अगर मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, अगर मॉइस्चराइज़र खाली लगा के आप बाहर जाएंगे तो क्या होता है कि साथ मॉइस्चराइज़र के साथ डस्ट सारी आपके स्किन पे लग जाती है। इस तरह से हम मिक्स करेंगे। ये रेगुलर यूज़ में किया लगाया लगाते हैं। रेगुलर यूज़ में आप मॉइस्चराइज एंड बेस आप लगाएंगे, आपके स्किन ड्राइनेस, स्किन की ड्राइनेस नहीं होगी, स्किन में नेचुरल शाइनिंग आएगी और स्किन बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाएगी। सी द रिजल्ट। ओपन योर आइज, आंखों को खोलो। गोल्ड फेशियल, जैसा कि आपने देखा कि मेरी स्किन पहले कितनी डल थी और अब मुझे बहुत ही ग्लोइंग और यूथफुल स्किन पाके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इनका रिजल्ट बेहद अच्छा है और मैं आप लोग को रेकमेंड करूंगी कि एक बार आप इसे ज़रूर यूज़ करें।